वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता है वो ये है कि मैं वर्कआउट भी करता हूँ लेकिन लूज स्किन मेरी बॉडी में बहुत सारी है, मतलब मेरे अंडर आर्म्स के नीचे या थाइज में, हिप्स में, बेली फैट के आसपास काफी सारा स्टोर्ड फैट है। तो इस चीज को कैसे दूर किया जाए? क्या मैं ज्यादा प्रोटीन खाऊं, मैं वर्कआउट ज्यादा करूं, कि मैं क्या करूं? तो गाइस, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि एक्चुअली इस सारा ये जो प्रॉब्लम है लूज स्किन की, इसका मेन रीजन क्या, अगर उसके जब रीजन हमें पता चल जाए तो उस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए। सो गाइस, लेट्स डू दिस। जो लूज स्किन हो रही है कहीं पे भी आपकी बॉडी में, किसी पार्ट पे भी, उसका मतलब ये है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि मसल तो सिर्फ वही उन्हीं लोगों के होते हैं जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं। नहीं गाइस, हर एक बॉडी में मसल होता है, लीन मसल मास होता है, किसी में कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। अगर आपकी स्किन कहीं से हैंग कर रही है तो मतलब आपको वहां से मसल लॉस हो रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप अपना प्रोटीन इनटेक हाई कर दीजिए। मेरे ख्याल से डम्ब एडवाइस है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन आपको कुछ हार्म करेगा, लेकिन इस एडवाइस में हम प्रॉब्लम कभी भी देखते ही नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू क्यों हुई है। इस प्रॉब्लम का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्यों, कैसे और क्या चीज है, क्या सब कुछ है? अब मान लीजिए आप कुछ खाते हैं, आपने एक समोसा खाया, समोसे में कुछ कैलोरीज होती है, कुछ एनर्जी होती है। तो जैसे समोसा आपके पेट में गया, उसमें एनर्जी रिलीज हुई, तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन आपके पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं। अब वो जो इंसुलिन होता है वो बेसिकली उस एनर्जी को ले जाके आपके सेल्स में डाल देता है। तो ये एक परफेक्ट कंडीशन हुई कि एनर्जी आई, इंसुलिन बीच में आया और एनर्जी सारी सेल्स में डाल दी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये तब आती है जब ये जो इंसुलिन है बार बार सेल्स के दरवाजे पे नॉक नॉक करता है और सेल्स को इसका बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये होता कैसे? जैसे मैं एक नॉर्मल डे की बात करता हूँ, आप मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट हुआ, आप ऑफिस गए, उसके बाद चाय पी ली, थोड़े स्नैक्स बीच में हो रहे, फिर आपका लंच टाइम आ गया, लंच टाइम में कुछ खाया पिया, उसके बाद किसी की प्रमोशन हो गई है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, आपने थोड़ी स्वीट्स खा ली, कुछ और चीज़ें हो गई, मतलब पूरे दिन आप चरते रहे जिसे हम बोलते हैं। तो ये एक बहुत मेन रीज़न है इस चीज़ का। कहीं होता क्या है कि जब कोई भी फूड आइटम आप खाएंगे वो इंसुलिन स्पाइक करेगा, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो आपके सेल्स हैं वो रिसेप्टिव नहीं रहते, मतलब मानते ही नहीं, कहते कोई बात है इंसुलिन आया, हम कोई भी आइटम इसे नहीं लेंगे और सेल के अंदर नहीं जाने लेंगे। तो सेल के अंदर हालत क्या है, कहीं सेल एनर्जी के लिए स्टार्व कर रहा है क्योंकि एनर्जी तो बाहर से आने नहीं दे रहा। तो इन अ वे क्या हो रहा है कि एक और सिग्नल जा रहा है, क्योंकि स्टार्वेशन है सेल के अंदर, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि और इंसुलिन प्रोड्यूस करो, तो और इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां थोड़ी सी इंसुलिन से काम हो जाता था, बहुत सारी इंसुलिन बॉडी में आ गई है वही सेम काम करने के लिए। इसके नुकसान बहुत सारे, जो क्योंकि जो इंसुलिन है गाइस, इंसुलिन से ही आपका अमीनो एसिड्स और बाकी एनर्जी आपके सेल्स तक जाएगा, और अगर आपके मसल्स को अमीनो एसिड्स नहीं मिले तो ना वो रिपेयर हो पाएंगे, ना रिबिल्ड हो पाएंगे, तो मतलब मसल लॉस ही होगा। और गाइस, सिर्फ यहाँ तक इसकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हो, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, या फिर पार्किंसन डिजीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये सारे आपके जो न्यूरोलॉजिकल या आपके ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस हैं, इनमें भी कुछ ऐसे प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही बनते हैं। तो इतना समझ आ गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बड़ा मेन फैक्टर है इस टाइप की चीज़ों का, जिसमें आपका ये फ्लैबी स्किन भी आती है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ कि नहीं? कहीं सबसे पहली चीज़, अगर आपकी बेली फैट काफ़ी ज़्यादा है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। अब मैं नॉर्मल फैट की बात नहीं कर रहा, कि अगर जो लोग बोले कि मेरे सिक्स पैक्स तो है नहीं, तो क्या मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ? नहीं, थोड़ा फैट इज प्रीटी मच ओके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैट है, स्पेशली बेली फैट है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। दूसरा, खाना खाने के बाद मतलब आपको ऐसी नींद आती है कि बस बेड चाहिए आपको, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है, तब ये पॉसिबल है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। एक और रीज़न, आप खाना खाने को भी सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब चाहिए कुछ और, थोड़ा सा स्नैक मिल जाए, कुछ यहाँ से मिल जाए, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि आपकी जो याददाश्त है उतनी अच्छी नहीं है, आपको चीज़ें जल्दी भूलती हैं और क्लैरिटी बहुत कम होती है, एक ये चीज़ है। तो ऑल इन ऑल गाइस, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बता सकती हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो कि नहीं हो। अगर ठीक है, हमें पता चल गया कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, अब क्या करें, मतलब कैसे ठीक करें? क्या कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए, कुछ स्पेशल डाइट चाहिए, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल चाहिए? गाइस, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक करना
जो मेजरली डिपेंड करेगा आपके लाइफस्टाइल और आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। कैसे? भाई सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने डिस्कस की है डिटेल में कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने बहुत हेल्प करता है और आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है उसको दूर कर सकता है। आपको जानना है क्या है क्या चीज़ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज़ चेक कीजिए, वो आपको पूरा बताएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ है। दूसरा, अब जो मील्स हैं गाइस, मेक श्योर कि दिन के 2 या 3 मील्स हों, ज़्यादा ना हो, और हर मील्स के साथ वेजीज ज़रूर, मतलब वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। एज ओल्ड एडवाइस कई जो हमें बचपन से सुनते आ रही है कि अब ईट योर वेजीज, अब सब्जियां खाइए, वो एडवाइस जो है वो हमेशा सही रहेगी। तीसरा, ये बहुत सिंपल सा आपको पता भी है, शुगर अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा दीजिए। कई इस जो ये मेरा भी ये वाला पॉइंट था, ये बोलने का मतलब ये था कि आप हर चीज़ में न्यूट्रिशन लेबल्स चेक कीजिए। हमें कई बार लगता है हम कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं लेकिन देखते हैं उसमें एडेड शुगर कितना है, तो तब पता चलता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैटर ऑफ द फैक्ट है कि न्यूट्रिशन लेबल्स चेक करना सीखिए और एडेड शुगर आपकी चीज़ में या जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें जीरो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और गाइस अल्कोहल अपने लाइफस्टाइल से अगर हो सके तो ख़त्म कर दीजिए क्योंकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ये बहुत ख़राब चीज़ है। अब गाइस एक और चीज़ है, जैसे लीन प्रोटीन आजकल बहुत है, मतलब लीन फूड्स, लीन फैट्स, या नॉट लीन फैट्स, रादर लीन फूड्स काफ़ी सारे, लीन प्रोटीन्स बहुत सारे, लेकिन जो एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं इंसुलिन इंडेक्स। जो लीन प्रोटीन्स का इंसुलिन इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा इंडेक्स वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका सोल्यूशन, होल फूड्स खाइए गाइस, मतलब जैसे आप एग्स की बात करें तो होल एग्स एक बेटर ऑप्शन है रादर देन एग वाइट्स। ऑल इन ऑल गाइस जब ये प्रोटीन खाते हैं मेक श्योर आपका फैट्स उसके साथ में जरूर हो। और गाइस शुगर और प्रोटीन को कभी आपस में कंबाइन मत कीजिए क्योंकि इससे क्या होता है जो इंसुलिन स्पाइक होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप शुगर खानी है तो प्लीज़ मेक श्योर अकेले शुगर हो, ऐसा नहीं कि प्रोटीन पाउडर मिला के खा रहे तो ऑल इन ऑल उसका बड़ा खराब असर होता है। सो गाइस आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि क्या हो सकता है और उसको ठीक करने के बहुत सिंपल से तरीके गाइस। गाइज आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।